अस्सलाम वालेकुम भाई बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। गर्मी शदीद हो रही है और गर्मी के साथ साथ एक गर्मा गर्म आप लोग के लिए एक प्रोडक्ट लेकर आया हूं। ये प्रोडक्ट मुझे overdrive.pk वालों ने भेजी है कि आप इसको टेस्ट करें, इसको चेक करें, लोगों को बताएं कि ये प्रोडक्ट किस तरह की है और क्या फ़ीचर्स हैं इसके। तो विदाउट फर्दर अड्यू ये सामने जो चीज़ घूम रही है आप लोगों को पहले इसको वैसे दिखा देते हैं। आप ये देखिएगा, ये बेसिकली फ्रीडकॉन R3 ऑल इन वन सोल्यूशन के तौर पर फ्रीडकॉन वालों ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। अब इंट्रोड्यूस कराने का मतलब यह है कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं आप लोगों को जल्दी जल्दी बताते चले जाते हैं। अगर आप लोग इसके अंदर पढ़ भी लेंगे, मैं आप लोगों को उसको क्लोजअप में भी दिखाऊंगा इस प्रोडक्ट के बारे में। दिस हैज़ अ क्वाड HD P30, मतलब यह है कि 4K 30 FPS है इसके अंदर, 140 डिग्री का वाइड एंगल लेंस है, 6 राइडर्स का इंटरकॉम है, वॉइस डायल के फीचर्स हैं, प्लेबैक कंट्रोल है इसमें, यानी ज़ाहिर है कि आप म्यूज़िक व्यूज़िक प्ले कर रहे होंगे। वाईफाई बिल्ट इन है, जो आएगा होता ही है। फ़ोटो का ऑप्शन है इसके अंदर और बिल्ट इन यानी इंटरनल इंटरकॉम का माइक्रोफोन और एक्सटर्नल माइक्रोफोन एक साथ यूज़ कर सकता है, म्यूज़िक शेयरिंग यूज़ कर सकता है, वीडियो कैमरा है इसके अंदर जो आपको पहले बता चुके हैं, एक साथ दो मोबाइल फ़ोन आप इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हैं, FM रेडियो है, ये IP65 वाटर प्रूफ है। आप देख सकते हैं दिस एक्चुअली हैज़ अ कैमरा इन इट, ये सामने कैमरा है। और इसकी फिलहाल मैं आपको बताता हूँ इंट्रोडक्टरी प्राइस इन लोगों ने जो दी है 42,500 रुपये विद 10% डिस्काउंट जाहिर है उसके साथ है, फिर आगे जाके इसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो ऑल इन वन प्रोडक्ट है, आप लोगों के ऊपर छोड़ूंगा कि आप मुझे बताइएगा कि इसकी फ़ीचर्स आपके ख्याल में वर्थ करती हैं, करती हैं तो overdrive.pk से आप इसको परचेस कर सकते हैं, नहीं करती तो भी मुझे बताइएगा ज़रूर आप इसके अंदर वीडियो के अंदर, ठीक है। तो आइए इसको थोड़ा सा अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाते हैं और अनबॉक्सिंग करने के बाद आपको इसकी कुछ ना कुछ फ़ीचर्स हम दिखाते चले जाते हैं, ठीक है। तो लेट मी पुट अनदर कैमरा, ये इसका यूनिट है, दिस यूनिट इज़ हियर। ये ऊपर इसका वाईफाई का बटन है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है पावर, ये वीडियो ऑन का बटन है, ये इसका पावर ऑन का बटन है, और यहाँ से आप कनेक्ट और डिसकनेक्ट करते हैं अपने ब्लूटूथ को, ठीक है। कैमरे का एंगल एडजस्ट कर सकते हैं, बास लोग जो है वो हेलमेट पे लगाते हैं तो टेढ़ा हो जाता है, अगर लेट्स से इस तरह का आपका हो जाता है तो आप यहाँ से इसका 30 डिग्री तक अपने कैमरे के एंगल को ट्विस्ट कर सकते हैं। तो इट हैज़ दिस फीचर इन इट। अब इसके ऊपर ये लगा हुआ है, ये दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये इस तरह का आपका नज़र आता है। अभी देखिए हमने इसको ट्विस्ट किया हुआ है एंड देन वी पुश, और ये इसका क्लिप इसके अंदर लगा रह जाता है, ठीक है, विच इज़ अ नीट फीचर, इस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद फिर ये स्लाइड इन और आउट हो जाता है, ये एक कंपेयर टू सम ऑफ द अदर प्रोडक्ट्स आपको ज़रा बेहतर चीज़ नज़र आएगी इसके अंदर, ठीक है। ये इसकी जो है वो फीचर है, तो आप इसको यूज़ करें या ना करें आपके ऊपर है। और उसके बाद फिर अंदर आपका मैनुअल आ जाता है, इसमें सारी चीज़ें हैं, हाउ टू डू म्यूज़िक शेयरिंग एवरीथिंग। अब आ जाते हैं, ये आपका वेलक्रो और क्लिप है, इसमें वेलक्रोज हैं आपके और माइक को लगाने के भी इसके अंदर पीसेज हैं। दिस इज़ हियर, ये इसकी चार्जिंग केबल है और ये आपका एक अदद हेडसेट है। हेडसेट में आपको सॉफ्ट माइक और हार्ड माइक दोनों मिलते हैं। अब आ जाते हैं इसकी फ़ीचर्स के ऊपर, तो पावर ऑन करें सबसे पहले, ये आपको बता रही है 60% बैटरी है, ठीक है। अब इसको 6 से 7 सेकंड दबाना है, ये बटन है बेसिकली, ये आपको यहाँ दिखा दूँ, दिस इज़ अ बटन, तो इसको 6 से 7 सेकंड दबाएंगे हम। अब इसने बताया DV एक्टिव हो गया, ठीक है, ये 3 सेकंड दबाएंगे तो वाईफाई ऑन होगा, वाईफाई एक्टिव, ठीक है। अब हम यहाँ जाएंगे और एक अदद ऐप है रोड कैम के नाम से इनकी, ठीक है, रोड कैम ऑन करेंगे और जब ये वाईफाई एक्टिव हो गया तो हम यहाँ वाईफाई में जाएंगे और यहाँ ये हमें फ्रीडकॉन का नेटवर्क दिखाएगा, इससे कनेक्टेड होंगे। कनेक्ट होने के बाद जब हम ये नीचे इसका बटन दबाएंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। रोड कैम में गए, रोड कैम में जाके हमने ये अंडा दबाया, अब जब ये कर दिया ना, आई थिंक इसकी लैंग्वेज चेंज हो गई, अभी सेट करते हैं, ये जैसे इसमें जाता है ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता है, तो दैट काइंड ऑफ सक्स ना, और थोड़ा सा लैग है इसमें तो इसको स्टॉप करना पड़ेगा। स्टॉप किया, यहाँ हम ऊपर जाएंगे, ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में आपको दिखाता हूँ, ये तमाम इसकी सेटिंग्स आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी कि वाईफाई नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, प्रीव्यू ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो मेरे ख्याल में अगर मैं इसको ऑफ़ कर दूँ प्रीव्यू में ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग, तो मेरे ख्याल में अब ये इशू नहीं देगा। टाइम स्टैम्प ऑफ़ कर दें, वो जो नीचे नंबर लिखे आते हैं बेकार आते हैं। साइक्लिक रिकॉर्डिंग टाइम, कितनी मिनट की आपको वीडियो बनानी है, 1 मिनट की, 3 मिनट की, 5 मिनट की, 10 मिनट की, तो मैं यूजली 5 मिनट रखता हूँ, तो 5 मिनट रखा मैंने इसके अंदर। रिकॉर्डिंग क्वालिटी, अब हम आते हैं इसके अंदर रिकॉर्डिंग क्वालिटी के ऊपर, ये देख लें, VGA प्रोग्रेसिव 30 से लेके आपका HD P30 फुल HD यानी 720 1080 और ये 2K और 2K के बाद ये 4K,
तो अकॉर्डिंग टू देम ये 4K30 प्रोग्रेसिव स्कैन पे बनाता है। हम रिजल्ट देखेंगे, आपको बताएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर और ऑप्शंस नहीं आ रहे, तो मैंने एक और चीज़ किया, जी सेंसर एक अलहदा चीज़ होती है कि लेट्स से जब आपका खुदा न खास्ता एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, कुछ बाइक गिरती विरती है, तो ऑटोमेटिकली एक आपकी रिकॉर्डिंग कर देता है। अब हाँ, वो यहाँ से इसने ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग बंद कर दी। यहाँ वीडियो में जाएंगे और वीडियो पे क्लिक करेंगे तो आपके कार्ड में, इस कार्ड में जो भी डाटा होगा वो यहाँ आना शुरू हो जाएगा, देखें, ठीक है। ये 4K में रिकॉर्ड हुई है। इसका मैं आपको प्लेबैक भी दिखाऊंगा रिजल्ट थोड़ी टाइम के बाद ना, सो यू गाइस नो। अच्छा, इसके अंदर वो नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं मिली मुझे, ठीक है। इमरजेंसी की कोई फाइल नहीं, क्योंकि हमने इसके अंदर वो यूज़ ही नहीं किया हुआ, तो इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है। मैं बाहर निकलता हूँ, निकल के फिर आप लोगों को इसकी रिजल्ट भी रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ यूजिंग इंटरनल माइक। अच्छा, इसके अंदर ऑप्शन नहीं मिल रहा कि मैं इंटरनल और एक्सटर्नल माइक के दरमियान कैसे स्विच करूँगा, सो यू गाइस नो, ठीक है। तो मैंने एक और ऐप उठाई थी जो मैं आमतौर से यूज़ करता हूँ, इट्स कॉल्ड द LS2 फोकल। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, LS2 फोकल से भी ये कनेक्ट हो जाता है, ये देखें कनेक्ट डिवाइस, अब ये LS2 फोकल से भी कनेक्ट हो गया। अच्छा, ये जो मैं आपको दिखा रहा था, यहाँ से हम इसका लेंस मोड़ेंगे तो यहाँ रिजल्ट में आप देखिएगा आपको चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। लेंस को हम लेफ्ट या राइट ट्विस्ट कर सकते हैं, तो मैं आमतौर से बीच में ही रखता हूँ। और हम आते हैं यहाँ पर, अब अंदर ये देखें सेटिंग पे, यहाँ सेटिंग पे आए ईयरफोन माइक्रोफोन मोड या फिर वीडियो माइक्रोफोन मोड। तो ये एक्सटर्नल माइक या इंटरनल माइक, मैं चूंकि इंटरनल माइक यूज़ कर रहा हूँ तो इंटरनल माइक मैंने यूज़ करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, वाटर मार्क हमने ऑफ किया हुआ है, 5 मिनट है, सब कुछ है इसके अंदर, Full HD है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मेरे पास पहले हम आपको दो मोबाइल से इसके कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से वेदर नॉट एबल टू कनेक्ट टू डिवाइस एट द सेम टाइम। हमने ऐसे पावर ऑन किया है, इसको ये दबा के रखा है, ये पावर ऑन हो गया, ठीक है। अब मैं इसको दबा के रखूँगा और अब ये पहले से, ये देखें, हमने ब्लूटूथ ऑन किया, ब्लूटूथ ऑन करने के बाद ये मेरे पास ये R3 आ रहा है पहले से ही। वैसे मैं पेयर न्यू डिवाइस भी कर सकता हूँ, R3 मेरे पास पहले से कनेक्टेड है, तो मैं इसके अंदर ये देखें मैंने दबाया एंड इट्स एबल टू कनेक्ट टू R3। अब ये 30% बैटरी दिखा रहा है और वाइल चार्जिंग आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो इसकी चूँकि चार्जिंग पोर्ट आप देख सकते हैं यहाँ नीचे है, USB की टाइप सी चार्जिंग है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है ये, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इट डज़ हैव USB टाइप सी चार्जिंग, तो आप चार्ज करते हुए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और अच्छी बात यह कि नीचे है तो वाटरप्रूफ तो जाहिर है कि है, बारिश वारिश में भी आप चार्जिंग करते हुए अपने पावर बैंक के साथ इसको लगा के यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी स्लॉट है जहाँ पर आप अपना मेमोरी कार्ड डालेंगे, ठीक है। और इसके बाद हमने एक तो इसके साथ कनेक्ट कर दिया, अब हमने एक दूसरा फ़ोन भी इसके साथ कनेक्ट करेंगे साइमल्टेनियसली। हमने यहाँ गए अपने ब्लूटूथ के अंदर, अब हमने सेम यही काम करना है, यहाँ पर हमने इसको दबाया है, ये देखें ये पेयरिंग मोड के ऊपर आ गया। हम गए अपने पास यहाँ पर, तो R3 मैं दबा दिया एंड इट विल आस्क टू पेयर, पेयरिंग का कह रहे हैं, मैंने पेयर कर दिया। एक साथ मैंने दोनों डिवाइसेज इसके आपस में पेयर कर दिए हैं, तो दिस इज़ गुड कि ये आपके दो मोबाइल हैं, इसमें जिसमें भी कॉल आएगी उसको प्रेफरेंस मिल जाएगी और आप इसके अंदर ये बटन दबाएंगे तो यू विल आंसर कॉल। अगर नहीं होगी तो आप क्या करेंगे कि 5 रिंग्स के बाद ऑटोमेटिकली आपकी कॉल आंसर हो जाएगी इसके अंदर। ये मैं आपको बेसिकली साउंड सुना रहा हूँ जस्ट सो यू गाइस नो, और वॉल्यूम मैं इसका फुल कर देता हूँ और माइक आपको करीब कर देंगे। ये इसकी साउंड की वो है रिजल्ट है, ठीक है। तो बेस वेस भी इसकी अच्छी है, ये है इसकी साउंड, ठीक है। R3 की T-Max Pro के साथ किस तरह पेयरिंग होती है, तो हम इसको पहले ऑफ़ करेंगे, बटन दबा के रखेंगे, इसका हमने बटन दबा के रखा है, ये वाला यहाँ से ऑफ हो गया, ठीक है। अब जब मैं इसको दबा के रखूँगा तो ये पेयरिंग मोड पर आ जाएगा, ये देखिए ये पेयरिंग मोड पर आ गया। अब हमने अपना T-Max को लगाया, अब T-Max को हम पेयरिंग मोड पे लेकर आएंगे, तो हम इसका भी बटन दबा के रखते हैं, ये देखें। अब मैं चाहूँ तो मैं अभी चूँकि इसके साथ अपना R3 के साथ T-Max को पेयर कर रहा हूँ T-Max Pro को, तो अब मैं क्या करूँगा, एक बार इसका बटन दबाऊँगा, ये देखें ये बटन दबाया और ये मास्टर बन जाएगा, ये स्लेव बन जाएगा। अब ये दोनों आपस में पेयर हो गए। आप लोकली करेंगे तो कुछ रेट्स कम किए जा सकते हैं। अब उसके अंदर एक और कॉम्प्लिकेशन आती है, याद रखिए, वो ये होती है
याद रखिए कि अगर मटेरियल मटेरियल जो होता है रॉ मटेरियल वो भी हम इम्पोर्ट करते हैं, पाकिस्तान में अपनी स्टील तो नहीं उगती ना, उसको देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि यार वो इतनी लग्जरियस गाड़ियाँ बना रहे हैं। मजेंटिस आई थी एक ज़माने में, लेकिन वो बेसिकली बड़ी बड़ा होंडा होंडा कॉपी थी उसकी, मर्सिडीज की, लेकिन स्टिल यार उसके पास कोई एक बंदा है आपके सामने देखो कैसे तोड़ तोड़ के जा रहे हैं। अच्छा एक चीज़ मैंने इसमें नोटिस की है वो ये है कि जब तक इंटरनल माइक में एक जगह खड़ा रहूँ तो इंटरनल माइक तो चल रहा होता है, लेकिन जब विंड स्पीड आती है तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक्सटर्नल जो माइक होता है जो कैमरे का माइक है उसकी आवाज़ भी इसमें मिक्स होने लग जाती है, जिसकी वजह से शोर आना शुरू हो जाता है। एनीवे तो जनाब ये था छोटा सा ओवरव्यू और फीचर्स ओवरव्यू ऑफ अ फ्रीडकॉन R3। ये कैमरा है, कैमरे का रिज़ल्ट मैंने आपको दिखा दिया है, इसका एक्सटर्नल माइक कैसा है आपको दिखा दिया, कीमत इसकी जो है ओवरड्राइव डॉट पे के वालों ने रखी है 42,500। आप क्या समझते हैं जस्टिफाइड है? गो अहेड एंड कॉन्टैक्ट दोज गाइज, जो भी आपकी फीडबैक हो मुझे बताइएगा, ठीक है। मैं अभी इसके बारे में कोई आप लोगों को रिव्यू नहीं दे रहा हूँ, आपके सामने सारी फीचर्स मैंने रख दी हैं, तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा ये। मज़ीद अनबॉक्सिंग और प्रोडक्ट रिव्यूज़ के साथ, प्रॉपर रिव्यूज़ के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोगों से मिलते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, राइड सेफ, वेयर अ हेलमेट, ठीक है।